डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट 2000 के बारे में। एफए 20 जो जून 2021 से मार्च 2022 के दरमियान एप्लीकेबल है, वो स्टूडेंट्स जो F6 का एग्ज़ाम जून से ऑनवर्ड्स टिल मार्च 2022 तक अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें एफए 20 स्टडी करना है। एफ ए 19 मार्च के अटेम्प्ट तक एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपको इनकम टैक्स और जो अदर टैक्सेशन के रूल्स हैं वो रिवाइज रूल्स पढ़ने होंगे। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो हुई हैं और कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो बिल्कुल प्रीवियस एफ ए 19 के मुकाबले में देर इज़ नो चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इनकम टैक्स की बेसिक कंप्यूटेशन के बारे में। तो ये लेक्चर एक इनकम टैक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन किस तरह से की जाती है। यूके में इंडिविजुअल को अपनी इनकम पर इनकम टैक्स पे करना होता है, और उसका जो टैक्स ईयर बनता है, टैक्स ईयर स्टार्ट होता है इंडिविजुअल के लिए 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और फॉलोइंग 5 अप्रैल तक उसका टैक्स ईयर काउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस एक्ट 20 की बात करें, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 अप्रैल 20 एंड इट विल एंड एट 5 अप्रैल 21। ये इसकी एक टैक्स की टाइमलाइन है, जिसको हम एफए 2021 कहेंगे। अब एक शख्स इस टैक्स ईयर के दौरान जो भी इनकम अर्न करता है, उसे उस पर इनकम टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक शख्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है। हम सोर्स ऑफ इनकम को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे हमेशा। पहली टाइप ऑफ इनकम होगी, जिसे हम क्लासिफाई करेंगे एज नॉन सेविंग इनकम। सेकंड टाइप ऑफ इनकम होगी सेविंग इनकम। एंड थर्ड टाइप ऑफ इनकम हमें क्लासिफाई करनी है एज डिविडेंड इनकम। इसका मतलब ये है कि इन 3 क्लासिफिकेशन के अलावा कोई चौथी या फोर्थ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। ना अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि एक शख्स जो कुछ अर्न कर रहा है वो नॉन सेविंग है, सेविंग इनकम है या डिविडेंड इनकम है। तो इसके लिए हमारे पास डिविडेंड इनकम की क्लासिफिकेशन है कि आपको शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न दिया जाता है, प्रॉफिट में से जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो हमेशा डिविडेंड इनकम होती है। इसी तरीके से एक शख्स जो है वो इंटरेस्ट अर्न करता है किसी बैंक के अगेंस्ट, किसी लोन के अगेंस्ट, तो वो सब उसकी सेविंग इनकम में फॉल होगा। इन दोनों के अलावा, यानी कि डिविडेंड और सेविंग के अलावा, जो भी इनकम होगी अदर देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, वो हमेशा क्लासिफाई होगी एज नॉन सेविंग इनकम। अब इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या पॉसिबल चीज़ें आ सकती हैं। तो इसके अंदर आपके पास ट्रेडिंग इनकम आ सकती है, जो कि एक बिजनेस इनकम होती है, जो सोल ट्रेडर प्रॉफिट अर्न करता है अपने बिजनेस से, उसको हम ट्रेडिंग इनकम कहते हैं। इसके अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ सकती है, आप बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है या अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो इसके अंदर आ सकती है। इसके अंदर आपका रेंटल प्रॉपर्टी रेंटल का बिजनेस आ सकता है, जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्रॉपर्टी इनकम। इसके अंदर आपकी पेंशन इनकम आ सकती है। मैक्सिमम लेवल की जो चीज़ें हैं वो नॉन सेविंग इनकम में एज पर आर सिलेबस ये आ सकती है। तो इनकम टैक्स लगाने से पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम करना ज़रूरी है, विच इज़ नॉन सेविंग इनकम, विच इज़ सेविंग इनकम एंड विच इज़ डिविडेंड इनकम। अब ये क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको एक प्रोफॉर्मा को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद आपको रेट्स के ऊपर चीज़ें समझनी है कि टैक्स रेट्स एप्लीकेबल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स का एक प्रोफॉर्मा बनेगा, और उस प्रोफॉर्मा के बाद फिर हम उसकी टैक्स की कंप्यूटेशन पे बात करेंगे। उस प्रोफॉर्मा में हमारे पास एक कॉलम होगा टोटल का, पहला कॉलम होगा नॉन सेविंग इनकम का, दूसरा कॉलम होगा सेविंग इनकम का, और लास्ट कॉलम हम बनाएंगे डिविडेंड इनकम का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमेशा नॉन सेविंग इनकम पहले आएगी? तो यस, नॉन सेविंग इनकम को हमेशा फर्स्ट में कंसिडर करेंगे, उसके बाद सेविंग इनकम को कंसिडर करेंगे, और उसके बाद
आगे डिविडेंड इनकम को कंसिडर करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, वो ट्रेडिंग से कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम की कैटेगरी क्या होगी? नॉन सेविंग इनकम, वो हमने यहाँ पर क्लासिफाई कर दी। सिमिलरली, एक शख्स से वो प्रॉपर्टी इनकम से अर्न कर रहा है, तो प्रॉपर्टी इनकम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन सेविंग इनकम, वो हमने यहाँ क्लासिफाई कर दिया। इसी तरीके से उसे बैंक से इंटरेस्ट मिला, अब वो इंटरेस्ट इनकम हमने क्लासिफाई की, क्योंकि वो सेविंग इनकम का पार्ट है, और उसको हमने टोटल में क्लासिफाई कर दिया। तो इस तरह से आप उसको रेलेवेंट सेक्शन में क्लासिफाई करेंगे। इसी तरह डिविडेंड उसने अर्न किया, डिविडेंड के कॉलम में गया, और टोटल में जाकर हमने उसे ऐड कर। तो ये टोटल इनकम की क्लासिफिकेशन हो गई। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के बाद हमारे पास रेस्पेक्टिवली टोटल इनकम आ जाएगी, यानी कि सबसे पहले आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। ये टोटल इनकम आपको ये बता रही है, दिस इज टोटल इनकम, टोटल नॉन सेविंग इनकम, टोटल सेविंग इनकम एंड टोटल डिविडेंड इनकम। सो टोटल इनकम निकालने के बाद इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बल्कि टैक्स वाले हमें ऑप्शन देते हैं कि हम टैक्स वालों से रिलीफ ले सकते हैं। ये रिलीफ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये रिलीफ आपने यहाँ से डिडक्ट की, पहले नॉन सेविंग इनकम में से हम डिडक्ट कर देते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे वाई। ये रिलीफ माइनस करने के बाद अगर आपको कोई रिलीफ मिलता है, पहली बात है रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोई रिलीफ मिलता है तो वो रिलीफ डिडक्ट होने के बाद जो आपकी लेवल ऑफ इनकम होगी उसे कहा जाएगा नेट इनकम, यानी कि इनकम की दूसरी टाइप होगी विच इज़ क्लासिफाइड एज नेट इनकम। अगर रिलीफ ज़ीरो है तो टोटल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम। उसके बाद नेट इनकम में से यूके में हर साल हर शख्स के लिए एक पर्सनल अलाउंस अवेलेबल होता है, जिसकी एक लिमिट है, और लिमिट है FA20 के लिए सेम जो FA19 में थी, एंड दैट इज 12,500। ये भी सबसे पहले हम नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे, और ये माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा विच इज़ द फाइनल आंसर जो हमें चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। सो ये टैक्सेबल इनकम होगी जिसके ऊपर फाइनली टैक्स लगता है, ये हमारा टारगेट है। नाउ इसको हम अगर रीड करने जाएंगे तो ये देखें, टैक्सेबल नॉन सेविंग इनकम, टैक्सेबल सेविंग इनकम, टैक्सेबल डिविडेंड इनकम एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। सो रेट आप उस वक्त लगाएंगे, जो भी रेट आपको गिवन मिलते हैं वो रेट आप उस वक्त लगाएंगे जब आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी। पर्सनल अलाउंस की एक अलग सेपरेट डिस्कशन हम करेंगे कि पर्सनल अलाउंस 12,500 क्या फिक्स्ड है, क्या ये इंक्रीज हो सकता है, क्या ये डिक्रीज हो सकता है, ये कैसा आएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें जो हमने यहाँ पे इस प्रोफॉर्मा में डिस्कस की है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालते हैं, फिर उस टोटल इनकम में से हम माइनस करते हैं, ये एक फार्मूला टाइप बन जाएगा रिलीफ, तो आपके पास आंसर आता है नेट इनकम का। फिर उस नेट इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं, उसमें से हम पर्सनल अलाउंस माइनस करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। यूके के अंदर ये हर जगह टैक्सेबल इनकम ज़रूरी होती है। टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग भी हो सकती है, टैक्सेबल इनकम सेविंग भी हो सकती है, टैक्सेबल इनकम डिविडेंड भी हो सकती है। जो आप अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ता है। अब टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यूके में टैक्स रेट्स किस तरह से अप्लाई होते हैं और टैक्स रेट्स का सिस्टम क्या होता है। देखें, कुछ कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है एक ही सिंगल टैक्स रेट लगता है, और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि मल्टीपल टैक्स रेट्स होते हैं एज पर द लेवल ऑफ इनकम, जिन्हें कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सो यूके में इनकम टैक्स का प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है, टैक्स रेट्स होते हैं, और वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट इस तरह से चलते हैं कि जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स रेट्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने डिफरेंट बैंड्स बना दिए हैं कि जी इस बैंड का रेट ये होगा, इस बैंड का रेट ये होगा, और इस बैंड का रेट
एप्लीकेबल इस तरह से होगा। मैं वो रेट यहाँ पे लिखता हूँ जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नॉन सेविंग के रेट्स क्या होंगे, सेविंग के रेट्स क्या होंगे और डिविडेंड के ऊपर टैक्स किस तरह से लगेगा। पहला हमारा बैंड होता है जिसको कहा जाता है बेसिक बैंड, दूसरा होता है जिसे कहा जाता है एडिशनल रेट बैंड, दूसरा होता है जिसे कहा जाता है हायर रेट बैंड एंड तीसरा हमारे पास होता है जिसे कहा जाता है एडिशनल रेट बैंड। अब स्टूडेंट के माइंड में आएगा हमें कैसे पता लगेगा कि बेसिक रेट बैंड क्या होता है, हायर क्या होता है, तो ये आपको गिवन होता है एग्जाम में। अच्छा, ये भी FA19 और FA20 में सेम है, तो जिस लोगों ने FA19 पढ़ा हुआ है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, FA20 में आपको सेम मिलेगा। 1 pound से लेकर 37,500 pound किसी शख्स की अगर एनुअल टैक्सेबल इनकम, रिपीट, किसी शख्स की अगर एनुअल टैक्सेबल इनकम 1 pound से 37,500 pound के दरमियान है और अगर वो नॉन सेविंग इनकम है तो उसे सिर्फ 20% टैक्स देना है, अगर वो सेविंग इनकम है 20% टैक्स देना है और अगर वो डिविडेंड इनकम है तो सिर्फ 7.5% टैक्स देना है। अब किसी के माइंड में सवाल आता है कि अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 37,500 से ज़्यादा हो गई तो वो अगले बैंड में एंटर हो जाएगा जो कि स्टार्ट होगा 37,501 और एंड होगा 150,000 pound। यस, सालाना एनुअल, ये मंथली नहीं है, ये एनुअल है। एनुअल 1 lakh तक की इनकम के ऊपर टैक्स 20% नहीं लगता बल्कि टैक्स रेट्स 20 से 40 हो जाते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं 32.5%। अब एक चीज़ क्लियर रखिएगा माइंड में, प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि इंटायर इनकम पे 40% नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है अप टू का। ये हम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे अप टू का मतलब क्या होता है। अप टू 37,500 पे रेट 20% लगेगा और एडिशनल इनकम के ऊपर रेट जो होगा वो डबल हो जाएगा यानी कि 40% हो जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं कि 100 यूनिट्स के ऊपर ये रेट लगेगा, 150 यूनिट्स पर ये रेट लगेगा, इसी तरीके से इसकी वर्किंग हम सीखेंगे। और अब अगर एक शख्स है और उसकी इनकम इससे भी ज़्यादा हो जाती है और 150,000 से ऑनवर्ड्स उसकी इनकम हो जाती है, बियॉन्ड चला जाता है वो, तो अब रेट उसके लिए और ज़्यादा हो जाएंगे, 45% तक पहुँच जाएगा, 45% तक पहुँच जाएगा और यहाँ पर वो 38.1% पे टैक्स देगा। ये टैक्स शीट में आपको गिवन मिलेगा, ये याद नहीं करना आपको, ये टैक्स टेबल आपको गिवन मिलती है जिसमें नॉन सेविंग के रेट, सेविंग के रेट, डिविडेंड के रेट, बेसिक बैंड, हायर बैंड और एडिशनल बैंड की इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। याद रहे ये FA19 जैसा ही है, इस साल FA20 में इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, पर्सनल अलाउंस भी सेम है, तो जो लोग पिछले FA से आएंगे उनके लिए ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अब आपको करना क्या है, प्रोफॉर्मा उठाना है, वहाँ से टैक्सेबल इनकम की डिटेल लेनी है। आपके पास टैक्सेबल नॉन सेविंग इनकम है तो ये कॉलम नॉन सेविंग वाला, अगर सेविंग इनकम है तो ये कॉलम, अगर डिविडेंड इनकम है तो ये कॉलम, अगर सब है तो पहले नॉन सेविंग इनकम को टैक्स करेंगे, फिर सेविंग इनकम को टैक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम डिविडेंड इनकम को टैक्स करेंगे। याद रहे ये हम कॉलम वाइज चलते हैं, पहले आप नॉन सेविंग पे टैक्स लगाते हैं, फिर सेविंग पे टैक्स लगाते हैं और उसके बाद फिर आप डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं। अगर आप वायलेट करेंगे, पहले डिविडेंड पे लगा देंगे, फिर सेविंग पे और फिर नॉन सेविंग पे, तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपको रेट को अप्लाई करना सीखना है और साथ साथ आपको ये सीखना है कि पर्सनल अलाउंस किस चीज़ का नाम है, किसको पर्सनल अलाउंस मिलेगा, क्या सबको पर्सनल अलाउंस मिलेगा, पर्सनल अलाउंस कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या ये इंक्रीज़ हो सकता है, क्या पर्सनल अलाउंस डिक्रीज हो सकता है, क्या पर्सनल अलाउंस किसी शख्स के लिए ज़ीरो हो सकता है, कैसे हो सकता है, और अगर एक शख्स के पास सिर्फ नॉन सेविंग इनकम हो तो टैक्स कैसे लगेगा और कंबाइन इनकम हो तो टैक्स कैसे लगेगा। इसके अलावा 2-3 टैक्स रेट्स के रूल्स और हैं एडिशनल जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सेविंग के साथ निल रेट बैंड का एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जो कि आपको टैक्स शीट में प्रोवाइड किया जाएगा। निल रेट बैंड कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी NRB। सेविंग के साथ 2 निल रेट बैंड के रूल हैं। अगर एक शख्स जो है
वो बेसिक रेट टैक्स पेयर है, तो बेसिक रेट टैक्स पेयर वाले के लिए सेविंग का एनआरबी 1000 पर अप्लाई होता है, और हायर वाले के लिए सेविंग का एनआरबी 500 पाउंड पर अप्लाई होता है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप अप्लाई करना सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से डिविडेंड के लिए भी एक निल रेट बैंड है, और वो निल रेट बैंड जो है वो फिक्स्ड है, वो सबके लिए है, एंड दिस इज 2000। इसको हम अप्लाई करेंगे तो आपको सिखाएंगे कि क्या मतलब है निल रेट बैंड का, क्या ये निल रेट बैंड हमारी टैक्स की कंप्यूटेशन को हिट करेंगे, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और रेट है विच इज कॉल्ड स्टार्टिंग रेट ऑफ 0% ऑन सेविंग इनकम। ये सिर्फ किसके लिए है? ये रूल सिर्फ सेविंग इनकम के लिए है, ये नॉन सेविंग पे नहीं अप्लाई होता, ये डिविडेंड पर नहीं अप्लाई होता, और ये रूल सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है यानी कि कंडीशनल है, कभी अप्लाई होता है और कभी अप्लाई नहीं होता। तो ये सारे टेबल्स टैक्स की ये सीखेंगे, एनआरबी की एप्लीकेशन सीखेंगे, स्टार्टिंग रेट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के।